माननीय नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल लाया है, और लाए ही नहीं है बल्कि राज्यसभा से और विधान लोकसभा के सदन से पारित है। और जब ही पारित हुआ तो दरअसल सब लोगों ने इसकी खिलाफत की, भले हम लोग खिलाफत कर रहे हैं उसका हाथ पाव है, लेकिन उमा भारती जी भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके द्वारा भी खिलाफत का शोर बदला है, उन्होंने भी खिलाफत की है। तो उस स्थिति में हम लोग भी मांग कर रहे हैं, जो उमा भारती जी भी मांग कर रही है कि भाई जब आपने आरक्षण लाया तो आरक्षण कहीं 2014 का जुमला नहीं हो जाएगा? 2014 में भी आपके द्वारा कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी, बल्कि दर्जनों घोषणा हुआ था और एक भी घोषणा दरअसल लागू नहीं हुआ। आपको बता दें कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, महंगाई पर रोक लगाने का, और इसके बाद किसान का दोगुना आय करने का, देश में 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का, और सभी MP द्वारा एक पंचायत एक गांव को जो गोद लिया गया था उसको स्मार्ट गांव बनाने का, लेकिन कोई लागू नहीं हुआ। वही हर्ष होने जा रहा है इसका भी, महिला बिल का भी। और महिला बिल जो लाया है आधा अधूरा है। नरेंद्र मोदी का सोच नहीं है कि महिला बिल पास हो, इसलिए कि जब तक के जनगणना नहीं होगा, जातीय जनगणना नहीं होगा, आर्थिक जनगणना नहीं होगा, तब तक परिसीमन नहीं होगा, तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि सबसे पहले जातीय जनगणना करा ले, आर्थिक जनगणना करा ले, और जातीय जनगणना कराने से स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, और उसको फिर परिसीमन में लेना जाएगा, परिसीमन आयोग बनेगा, और फिर परिसीमन आयोग जब फाइनल करेगा तब आपका जो है आरक्षण पूर्णतः लागू होगा। और हम फिर कहना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोगों ने जो सोचा था वही काम आप करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं आरक्षण में आरक्षण, OBC का आरक्षण कहाँ चला गया, जिसकी आबादी पूरे देश में 60% है। तो इस 60% को आरक्षण न दे करके, अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण न दे करके हम समझते हैं कि बहुत ही अन्याय किए हैं, ये जनता के साथ न्याय नहीं है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम सभी OBC परिवार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का जो आरक्षण बिल है, महिला आरक्षण बिल है, ये खोखला है और 2024 का जुमला। लोकसभा के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये महिला आरक्षण बिल को लेकर? कहां कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल जब ही आया तो सब लोग बोलना शुरू किए, पूरे देश के जितने पार्टियां हैं सब लोगों ने इसका विरोध किया। और बिहार में तो हम लोग कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, यदि सचमुच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो बिहार के पैटर्न पर आप आरक्षण दे दीजिए। देश का पहलका राज्य बिहार है, जहां 50% पंचायती राज में हम लोगों ने आरक्षण दिया है, दलित को भी हम लोगों ने आरक्षण दिया है, और यहां पूर्णतः रूप से आरक्षित लोग हैं। और आपको बता दें सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो आरक्षण दिया गया था, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसमें पूरे राज्य में, मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में आरक्षण के मामले में नीतीश मॉडल को यदि अपनाया जाए तो महिलाओं का सशक्तिकरण का जो नारा है और मजबूत होगा। तो पूरे राज्य में महिला मुखिया है 4209, महिला प्रमुख है 350,
जिला परिषद है 29, महिला पंचों की संख्या है 63,954 और महिला सरपंच है 3833, महिला पंचायत समिति है 5,982 और महिला जिला परिषद है 654, महिला वार्ड की संख्या है 57,153। 60% तक पहुंच गया है आरक्षण के बाद, महिला जीत करके गई है और सब महिलाओं का ही लगा हुआ, तो इनको तो देना नहीं आरक्षण, और जितना इन्होंने वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, वो कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। हम तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सिर्फ विज्ञापन की सरकार रह गई है, विज्ञापन पर चल रहे, और अब तक जितना विज्ञापन खर्च किए हैं नरेंद्र मोदी जी का जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें जितना ही विज्ञापन पर खर्च किए हैं उसको, उस पैसा को यदि हिसाब लगाया जाए तो राज्य में कई गांवों को ठीक किया जा सकता था। एक विज्ञापन की सरकार है, भाषण की सरकार है, घोषणा की सरकार है, और इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप आरक्षण बिल तब तक मत लाइए, विचार करिए जब तक कि ओबीसी और अल्पसंख्यक का आरक्षण निर्धारित मत करिए, नहीं तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा, सब लोग इसका खिलाफत कर रहे हैं। और हम तो एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताना चाहेंगे कि 2014 से लेकर 8 साल, मैंने अपनी पूरी कार्य 9 साल में 6,491 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किया। ये यदि इसके लिए कोई योजना चलता इतनी राशि का, तो हम समझते हैं कि लोगों का भला होता, लेकिन इस विज्ञापन से क्या भला है, देश को तो कर्जदार बना दिए, कर्जा में झोंक दिए। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, उस समय देश पर 55,00,000 करोड़ कर्ज था, और 8 साल में इन्होंने उस कर्ज का तिगुना बढ़ा दिया, कर्ज तिगुना हो गया, और आज के तारीख में देश पर 155.8 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज है, मतलब एक व्यक्ति पर 1,30,00,000 का कर्ज है, यही तो कर्जदार बना दिए देश की जनता को। ये तो वादा किए थे कि हम देश को ऊंचाई पर ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो कर्जदार बना दिया। और ये जो उलूर जुलूर बोल रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी, इसका बड़े बड़े नेता लोग वहां पर बंगलोर में भाषण देने के लिए भी गए थे, आज जितने लोगों ने भाषण दिया था, हिजाब पर प्रतिबंध लगा देंगे, हलाल मीट पर हमने प्रतिबंध लगा देंगे, उसी में उनके 12 मंत्री वहां पर हार गए, तो अब की बार इनका हर्ष जो है यही होने वाला है, और 2024 में देश की जनता इस तरह के नकारा सरकार को जवाब दे।